गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चों, हिंदी गुंजन में हमने बुलबुल के बच्चे पार्ट 11 इस पार्ट को अच्छे से रीड किया। आज हम इसका अभ्यास कार्य बुक में करेंगे और कॉपी में कठिन शब्द करेंगे इस पार्ट से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अभ्यास कार्य में सबसे पहले ऊपर आज की डेट लिखिए, 9/11/21। यहाँ पर क्लास वर्क लिखिए, शब्दार्थ हैं ये हम अगली क्लास में आपको कॉपी में करवाएंगे, आज बुक में आप रीड कीजिए। बगीचा, बगीचा का अर्थ होता है बाग। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। पक्षी, पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया। पंख, पंख का अर्थ होता है पर, फैदर जिसे कहते ना, पक्षी के पंख, चिड़िया के पंख। चहकना, चहकना का अर्थ होता है मीठी आवाज में बोलना। फुदकना, फुदकना मीन्स उछलना, कूदना। उदास, उदास का अर्थ होता है दुखी होना, परेशान होना। अब यहाँ पर देखिए, पाठ बोध, पाठ बोध में क्या है, प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए ना, उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, ऋचा और मधुर अंडों को दूर से क्यों देख रहे थे। उत्तर है, ऋचा और मधुर अंडों को दूर से इसलिए देख रहे थे कि ताकि अंडों को नुकसान ना पहुंचे। उनको छेड़ेंगे, हाथ लगाएंगे तो अंडों को नुकसान पहुंच सकता है ना, वो टूट सकते हैं, इसलिए वो दूर से उन्हें देख रहे थे। प्रश्न घ, पंख निकलने के बाद बच्चे क्या क्या करने लगे। पंख निकलने के बाद बच्चे चलने फिरने लगे, फुदकने लगे और चहकने लगे थे। प्रश्न को देखिए, बुलबुल के बच्चों की आवाज़ कैसी थी। बुलबुल के बच्चों की आवाज़ धीमी धीमी और मधुर थी। ओके, लिखित प्रश्नों के उत्तर हम अपनी कॉपी में करेंगे अगली क्लास में। आगे देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। को, किसके बच्चे उड़ गए, किसके बच्चे उड़ गए थे, चिड़िया के, बुलबुल के या मैना के। हमने पाठ में पढ़ा है ना, बुलबुल के, बुलबुल के बच्चे उड़ गए। खा देखिए, ऋचा और मधुर के घर के पीछे क्या था। ऋचा और मधुर के घर के पीछे तालाब था, बगीचा था या झाड़ी थी। सही ऑप्शन क्या है, ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। गौ, बगीचे में कौन सा वृक्ष नहीं था। पीपल का, आम का, अमरूद का, कौन सा वृक्ष नहीं था, पीपल का। ओके, घौ देखिए, बुलबुल बच्चों को क्या खिलाती है, चावल, दाना या कीड़ा। आपने पाठ में पढ़ा था ना, बुलबुल ने बच्चों को कीड़ा खिलाया था, तो सही ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे। ओके, मूल्यपरक प्रश्न, पक्षियों की देखभाल कैसे करोगे, स्माइली बनाकर बताओ। यहाँ पर पक्षियों की देखभाल करने के लिए देखिए, जो ऑप्शन सही है उसमें हम स्माइली बनाएंगे। ओके, यहाँ पर उन्हें पानी देकर, एक कटोरे में पानी रखा गया है पक्षियों के लिए, तो पक्षी आएंगे, पानी पिएंगे, ये अच्छी बात है ना, तो इस तरह से पक्षियों की देखभाल होगी। तो यहाँ पर हम गोले में इस तरह से स्माइली बनाएंगे। यहाँ पर कुछ दाने रखे गए हैं, अनाज, जो कि पक्षियों को भूख लगने पर वो खाएंगे, तो ये भी सही है, उनकी देखभाल होगी ऐसे भी, यहाँ पर भी हम स्माइली बनाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर ये क्या है, स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर के गाने बजाए जा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो इस तरह का शोर होगा तो क्या पक्षी आएंगे, नहीं, परेशान हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम स्माइली नहीं बनाएंगे। ओके, ये ऐसे पक्षियों की देखभाल नहीं हो सकती। अगला देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है, उसमें पक्षियों के लिए घर बनाया गया है, ठीक है ना, ये सही है, पक्षियों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर भी हम स्माइली बनाएंगे। इस
पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, यानी कि पक्षियों की देखभाल, वही पेड़ नहीं होंगे तो कैसे होगी, उनका घर ही नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, ये भी क्रॉस है हमारा और ये भी क्रॉस है, यानी कि ये दोनों पिक्चर हमारी गलत है, इसमें हम स्माइली नहीं रहे। अगली क्लास में हम भाषा ज्ञान पुस्तक में करेंगे और कॉपी में शब्द अर्थ करेंगे। आज देखिए अपनी नोटबुक में कठिन शब्द लिखेंगे हम। सबसे पहले आज की डेट 9/11/21 और यहाँ पर क्लास वर्क पाठ 11 बुलबुल के बच्चे, पाठ का नाम है। कठिन शब्द पहला है घोंसला, दूसरा है आवाज, तीसरा है कोशिश, चौथा है झाड़ी, नंबर 5 है फुदकना, फिर चहकना नंबर 6 में, नंबर 7 पक्षी, नंबर 8 शरीर, नंबर 9 बगीचा, नंबर 10 में उदास। तो इस तरह से बच्चों कठिन शब्द आपने लिखने हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स से कहें हमें बोल के लिखवाएं ताकि आपकी मात्राओं का अभ्यास हो। ओके, इनको याद भी कीजिएगा और इस पाठ को अच्छे से रीड कीजिएगा।